फिल्म को कंप्लीट किया गया था एक साल के पहले ही, लेकिन इस फिल्म का जो क्रेज है, इस फिल्म का जो हाइप है, वो एक दो साल का नहीं, 2012 में जो एवेंजर्स मूवी रिलीज हुआ था उसके बाद से ही है। जब 2012 में एवेंजर्स मूवी रिलीज हुआ था, तब उस एवेंजर्स के जो 6 मेंबर्स है, उन 6 में से 4 का सोलो मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड थॉर। और बाद में जो 2 कैरेक्टर बच जाते हैं, एक है हॉकआई और दूसरा है ब्लैक विडो, इनमें से हॉकआई से भी कहीं गुना ज्यादा फैन बेस के अंदर ब्लैक विडो का एक सोलो मूवी रिलीज करने का जो हाइप या डिमांड था वो बहुत ज्यादा था। तो इसी वजह से मार्वल ने अब जाके उसको रिलीज किया, मतलब 9 साल बाद जाके मार्वल ने उस डिमांड को पूरा किया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। तो क्योंकि ब्लैक विडो का सोलो मूवी 2012 के एवेंजर्स से ही बहुत क्रेज में था, बहुत हाइप में था, तो उन्होंने उसके बाद यानी इन्फिनिटी वार से पहले ही एक कंफर्मेशन दे दिया था। केविन फेगी ने भी दिया था, रूसो ब्रदर्स ने भी दिया था कि ब्लैक विडो को लेकर एक सोलो मूवी वो जरूर लाएंगे। मतलब ब्लैक विडो की जो टाइमलाइन होने वाला था वो इन्फिनिटी वार के पहले का था। तो उसके बाद अभी तक इतनी ज्यादा देर करके ब्लैक विडो को रिलीज किया गया है। अब ऐसा क्यों, कौन से कारण है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा गैप हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको इस फिल्म को देखने के बाद ही मालूम पड़ जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म को लेकर कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इस वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कि इस फिल्म के एंडिंग को लेकर जो थिंकिंग, जो थ्योरी निकल के आया है, जो लीक्स के अकॉर्डिंग है, रूमर के अकॉर्डिंग हो और पोस्ट क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग हो, उसको लेकर जो चीज सामने आया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। सो इस वीडियो को एंडिंग तक देखना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दो ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद एंटमैन और फैल्कन को तो अरेस्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो छुप गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाएगा कि डायरेक्टर रॉस ब्लैक विडो को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग में जा रहे थे, लेकिन उधर सिर्फ उसका एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ उसका ड्रेस था, लेकिन वो नहीं थी, वो कहीं और बहुत दूर जा चुकी थी। तो यार इतना भी आसान नहीं है ब्लैक विडो को पकड़ना। हमने जब इन्फिनिटी वॉर को देखा तो हमें ऐसा लगा था कि ब्लैक विडो एंड जो कैप्टन अमेरिका है वो एक साथ भागे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बीच जो चीज होता है वो ये था कि ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो दोनों अलग अलग से अंडरग्राउंड हुए थे और ब्लैक विडो टोटली अकेला था उस समय, और ब्लैक विडो को छुपने में मदद कर रहा था उसका ही एक दोस्त रिक मैसन। दिस टाइम हमें ब्लैक विडोज की एक मिशन को दिखाया जाता है। मैं इधर एक बात आपको क्लियर कर दूं, एजेंट रोमानोफ का जो ब्लैक विडो नाम है, जो हम लोग जानते हैं, वो असल में उसका नाम नहीं है, उसको कहा जाता है ब्लैक विडो। असल में ब्लैक विडो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स है जिनको ब्लैक विडोज कहा जाता है। तो इसी तरह ब्लैक विडोज का मतलब अलग से कुछ ब्लैक विडोज मिलके कोई एक मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे उनका एक मिशन था कि एक टारगेट उनको दिया गया था, उसके पास एक सूटकेस है, उस बॉक्स को, उस सूटकेस को उधर से लेकर आना है और उस टारगेट को मार देना है। तो इसमें हमें पहली बार एलिना को दिखाया गया था जो असल में रोमानोफ की बहन थी। जब एलिना टारगेट के ऊपर हमला करती है तो टारगेट एलिना के ऊपर एक रेड कलर का गैस छोड़ता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते कि वो पहले जो एग्रेशन था उसके अंदर वो कम्प्लीटली गायब हो चुका था और वो पहचान चुकी थी कि सामने कौन है, मतलब टारगेट कौन है। तो उसको जब होश आया, मतलब वो जब नॉर्मल हो गया था, तब उसको मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है अब इन सब के अंदर। सो बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज उसने उस बॉक्स के अंदर जो रेड गैस का ट्यूब था उसको पार्सल कर दिया था रोमानोफ के पास, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके दीदी यानी उस रोमानोफ के पास ही सुरक्षित हो सकती है। अब ये रेड गैस क्या चीज है? ब्लैक विडोज के ऊपर जो रेड रूम ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्लैक विडोज का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑनर है उसने यानी जनरल ड्रेकोव ने
हर एक ब्लैक विडोज के ऊपर एक बायोकेमिकल चीज प्लान किया है उनके दिमाग में, ताकि वो मतलब ड्रेकॉफ उनके दिमाग को कंट्रोल कर पाए। जब जरूरत होती है ऑर्डर देते हैं, उनको ऑर्डर फॉलो करना होता है एकदम मस्ट। अगर वो लोग नहीं करते या किसी भी तरह से वो लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी अगर उसको लगा तो वो उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी उसी वक्त उसका भेजा फूस हो जाता है एकदम ब्लास्ट। तो उसी चीज से बचने के लिए वो गैस काम में आता है, मतलब वो जो रेड गैस है वो असल में एक एंटीडोट है। अब उस एंटीडोट को तो एलिना ने रोमानोफ के पास भेज दिया, लेकिन रोमानोफ को तो ये अंदाजा तक नहीं था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है और उस बॉक्स के अंदर जो भी चीज है वो क्या क्या कर सकता है। तो एक दिन एक शाम को जब रोमानोफ एक काम के लिए बाहर निकली थी, तभी उसके ऊपर हमला करता है टास्क मास्टर, जो हमने ट्रेलर में भी देखा है, एक शील्ड को पकड़े हुए एक औरत है, होगा कंफर्म है औरत ही है। तो टास्क मास्टर उसको हमला करती है और तभी उसको मालूम पड़ता है टास्क मास्टर का टारगेट रोमानोफ नहीं है, वो बॉक्स है, उसको वो बॉक्स चाहिए। तो जैसे तैसे करके रोमानोफ उधर से बॉक्स को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। बाद में वो जब बॉक्स के अंदर का जो मतलब चीज है, जो गैस है, उसके अंदर उसे फोटो मिलता है उसके बचपन का, जो एक ही के पास हो सकता है, वो है उसकी बहन। तो वो समझ जाती है कि इसके साथ कुछ भी लिंक हो सकता है उसके बहन का। तो फिर वो उधर से निकल जाती है, बुडापेस्ट की तरफ जाती है, जहां पे उसको मुलाकात होती है एलिना से। जब वो दोनों मिलते हैं तभी उनके ऊपर अटैक करते हैं बहुत सारे ब्लैक विडोज। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो बायोकेमिकल वेपन जो उनके दिमाग में लगाया गया है वो कितना घातक हो सकता है। और फिर उसके बाद हमें रोमानोफ के पास्ट के बारे में बताया जाता है, मतलब वो कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई या वो कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकली, इन सब के बारे में एकदम डिटेल में एकदम परफेक्टली हमें दिखाया जाता है, हमें समझाया जाता है। उसके साथ साथ उसके परिवार को भी दिखाया जाता है, उसके माता पिता को, यानी मेलिना एंड एलेक्से। इधर मैं एक चीज आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी तक एकदम मार्वल की पहला मूवी आयरन मैन से लेकर अभी तक कितने सारे सुपर सोल्जर्स देखे हैं? अगर गिनती करूं तो मेन कास्ट वाला जो सुपर सोल्जर्स है थे वो 5 है, मतलब अभी तक 5 है। कौन कौन? कैप्टन अमेरिका, बकी, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर को भी मिल गया था, और उधर एक ब्लैक सुपर सोल्जर भी मौजूद था, और एक जो है वो है इधर यानी एलेक्से यानी रोमानोफ के पिता, वो भी एक सुपर सोल्जर है, सोवियत यूनियन का एक लौता सुपर सोल्जर। उधर हमें और एक चीज का मालूम पड़ता है कि ब्लैक विडोज ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है जनरल ड्रेकॉफ, उसका मकसद ये है पूरे दुनिया में अपना कंट्रोल करना। और आपको तो पता ही है, अगर एक रोमानोफ एवेंजर्स में इतना कुछ कर सकती है तो सोचो इतने सारे मतलब हजारों के संख्या में रोमानोफ क्या कर सकती है। तो इस वजह से उन्होंने मतलब ड्रेकॉफ ने पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए सब प्लान उसने किया है। अब अगर रोमानोफ को बचाना है पूरे दुनिया को और अपने दोस्तों यानी ब्लैक विडोज को, तो उसको ड्रेकॉफ को मारना होगा। ये जो फिल्म है इसके पहले टाइम से ही एक्शंस भरपूर है, एक्शंस भरपूर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हमें इतना ज्यादा जबरदस्त एक्शन वाला फिल्म देखने को मिल रहा है, वो भी कमाल की और स्टोरी लाइन के साथ। इसके अलावा और भी कई सारे एक्शंस वाले मूवीज सीरीज निकल चुके हैं, लेकिन सच बताता हूँ शायद उसके अंदर स्टोरी अच्छा होगा तो एक्शंस नहीं अच्छा होगा, अगर उसके अंदर एक्शंस अच्छा होगा तो स्टोरी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं पसंद आएगा। तो उस टाइप की चीज इसके साथ नहीं होता, स्टोरी एंड एक्शन दोनों जबरदस्त है, आपको देख के मजा आ जाएगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक कास्ट की परफॉर्मेंस लाल जवाब है, एकदम कमाल, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद फिर से रोमानोफ को देखना, उसके बारे में सुनना एक मतलब हार्ट टचिंग मोमेंट है, क्योंकि वो तो एंड गेम में मर जाती है, सेफड्राफ को सेक्रीफाइस कर देती है, फिर उसके बाद उसका ये सोलो मूवी एक बहुत बढ़िया गुड बाय है उसके लिए, मतलब उस कैरेक्टर के लिए। स्कारलेट जॉनसन अब वापस नहीं आने वाली,
बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा था कि अगर ब्लैक विडो फिल्म आएगा तो शायद उसके लास्ट एंडिंग में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हमें बताया जाएगा कि स्कारलेट जॉनसन एजेंट रोनोफ के कैरेक्टर में फिर से हमारे सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इस फिल्म के एंडिंग में रोनोफ की ग्रेवियट को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिना आके फूल वूल रखती है और टाइम स्पेंड करती है। तो एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि स्कारलेट जॉनसन अब फिर से रोमानोव के कैरेक्टर में वापस नहीं आने वाली। पूरे फिल्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज गौर करने वाली देखने को मिलेगा, वो ये है कि रोमानोव यानी एजेंट रोमानोव और एजेंट एलिना जो दोनों के दोनों बहनें हैं, उन दोनों के ऊपर ही पूरे के पूरे फिल्म में ज्यादातर फोकस, ज्यादातर फ्रेम, ज्यादातर स्क्रीन दिया गया है उन दोनों को ही। अगर आप देखोगे मलिना को नहीं है उतना ज्यादा टाइम के लिए, वो नहीं है। एलेक्स से वो भी बहुत कम टाइम के लिए है। और अगर बात करें ड्रेकोव यानी मेन विलेन की, तो वो तो क्लाइमेक्स के बाद आएगा, पहले तो वो नहीं आने वाला, मतलब दिखेगा ही नहीं वो हमें। लेकिन हमने इस चीज को अगर आपने गौर से देखा है कि फोकस ज्यादातर एलिना और रोनोफ के ऊपर किया जा रहा है, तो इससे एक बात का अंदाजा आपको हो जाएगा कि मार्वल ने ऑलरेडी इस फिल्म के जरिए एक कैरेक्टर को निकाल के दूसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ब्लैक विडो का जो कैरेक्टर है उसको निभाने के लिए अब आ रहा है एलिना, अब रोमानोफ नहीं आने वाली, लेकिन ब्लैक विडो का कैरेक्टर रहेगा, एवेंजर्स नहीं रहेगा, मार्वल में रहेगा, बाद में भी रहेगा, वो होगा एलिना। तीसरा एंडिंग फैक्ट, इसमें हमें लास्ट एंडिंग में के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेल को दिखाया जाएगा। मैंने इससे पहले एक मूवी अपडेट्स में कहा था कि वेल मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रा के लिए काम कर रही है। अब इस चीज को देखने के बाद, मतलब इसके जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसको देखने के बाद, मैं 100% कंफर्म हो चुका हूं कि वो हाइड्रा के लिए काम कर रही है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अच्छा हो, एकदम कंफर्म हो ही नहीं सकता। शायद ऐसा हो सकता है कि वो हाइड्रा के लिए नहीं, किसी और बड़े दुश्मन के लिए काम कर रही है, लेकिन वो दुश्मन है, ये कंफर्म हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मेरे कहने का कारण ये है कि उसने एलिना को एक फोटो दिखाया और बोला कि वो जो फोटो में है, वो जो बंदा है, वही तुम्हारे दीदी, तुम्हारे सिस्टर के मौत का कारण है। एंड गेस करो उस फोटो में कौन था। भाई साहब उस फोटो में जो चीज मैंने देखा, देख के मैं बोलती बंद हो गई मेरी, सच बोलता हूं बोलती बंद हो गई मेरी। उधर क्लिंट बार्टन है यानी हॉकआई का फोटो उसमें दिखाया जाएगा, और वेल उसको ये कहे कि हॉकआई यानी क्लिंट बार्टन ने उसके दीदी यानी उसके सिस्टर यानी रोमानोव को मारा है। सीरियसली, वो तो जानबूझ के एक दूसरे के खिलाफ फिर से जंग छिड़वाने की कोशिश कर रही है। एलिना ना चाहते हुए भी वेल के टीम में आ जाती है ऑटोमेटिकली। वेल ने तो ऑलरेडी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर को अपने टीम में शामिल कर लिया है, और अब एलिना भी उसके टीम में आ चुकी है। मतलब ये सीधा का सीधा कनेक्शन जा रहा है किसके ऊपर, ब्लैक एवेंजर्स के ऊपर। अब इस चीज के बारे में मैं क्या कहूँ, ये भी एक कॉमिक रेफरेंस है, कॉमिक में भी ये चीज है, तो ये एक थ्योरी आ सकता है कि बाद में फ्यूचर में हमें एवेंजर्स वर्सेस ब्लैक एवेंजर्स का फाइट दिखाया जाए एकदम लाइव एक्शन वाला। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो चीज हो रहा है अभी के अभी तो इसका होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और जो चौथी एंडिंग फैक्ट्स हमने सामने आया है कि ब्लैक विडो का जो फिल्म है, ये फिल्म डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है हॉकआई सीरीज से। जी हाँ, क्योंकि इसमें तो दिखाया गया है हॉकआई को, तो अब एलिना जाएगा हॉकआई के पीछे हॉकआई को मारने के लिए, और हमें ये सीधा का सीधा मार्वल ने हिंट दे दिया हॉकआई सीरीज का जो कनेक्ट होने वाला है इस फिल्म से। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन आने से पहले हमें और एक सीन दिखाया जाता है, रोमानोव की ब्लॉन्ड हेयर वाली सीन जहां पे उसको मिलता है, मतलब रिक मैसन थोड़ा टाइम लेकर, थोड़ा पैसा ज्यादा लेकर इंतजाम करती है एवेंजर्स की क्विंजेट का। हो क्विंजेट, इन्फिनिटी वॉर वाला आपको अगर मालूम होगा तो उसमें आपने देखा होगा
के विजन और स्कारलेट विच को बचाने के लिए आ गए थे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, फैल्कन, ये सभी आ चुके थे उस समय, उसी वक्त, उस जगह में। वो आए थे क्वीन जेट से, और उधर भी सेम लुक है रोमानोफ का जो हमें इसके एंडिंग सीन में देखने को मिलता है। मतलब इधर रोमानोफ, मालूम नहीं था रोमानोफ को कि कौन कहाँ पे है, बस ये मालूम था कि एंटमैन एंड फैल्कन यानी सैम और एंटमैन दोनों जेल में बंद है, तो उनको छुड़ाने के लिए उसको क्वीन जेट चाहिए था, मिल गया। उसको कैप्टन अमेरिका को ढूंढने के लिए क्वीन जेट चाहिए था, वो उसे मिल गया। मतलब बाद में जाके ये सीधा कनेक्ट होगा इन्फिनिटी वॉर में, और उसके बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन एकदम लास्ट वाला सीन जो दिखाया जाएगा वो कनेक्ट होगा एंड गेम के बाद वाला सीन। फैक्ट्स बताने के बाद एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो एक थ्योरी है, जो एक रूमर भी हो सकता है, कि वेल का नेक्स्ट जो मेंबर होने वाला है उसके टीम का, वो और कोई नहीं एबोमिनेशन होने वाला है शैंग-ची फिल्म से। ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एबोमिनेशन भी बहुत पहले वाला विलेन है, फिर से इसमें आने वाला है। तो एबोमिनेशन शायद वेल की टीम में आने वाला है, हल्क के ऑपोजिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये कंफर्मेशन नहीं है, बस एक थ्योरी है, मेरा थ्योरी है या किसी और का थ्योरी है, बस एक थ्योरी है। तो नाउ अगर हम बात करें कॉन्स की, तो ये इसको हम कॉन्स नहीं कह सकते, इसको हम सवाल कह सकते हैं जिसका जवाब हमें इसमें नहीं मिला। वो सवाल ये है कि अगर इन्फिनिटी वॉर से पहले रेड गार्डियन, मेलिना, येलेना, ये इन सब का कहानी हो चुका है, तो इन सब को इन्फिनिटी वॉर में एंड गेम में क्यों नहीं दिखाया गया? एंटमैन का तो दिखाया गया था, तो इसमें क्यों नहीं दिखाया गया? चलो ये हो सकता है कि मेलिना और रेड गार्डियन रिटायर हो चुके हैं, तो येलेना का क्या, वो क्यों नहीं आई, उसको क्यों नहीं दिखाया गया एंड गेम में एंड इन्फिनिटी वॉर में? इतना टाइम तक वो कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है जो अगर किसी के दिमाग में आया है, मेरे दिमाग में तो भाई आया है, आपके दिमाग में आया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आया है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सो ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो ये मूवी मस्ट 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 वॉच मूवी है, क्योंकि मार्वल फैन के लिए ये एक फ्री ट्रीट है। रोमानोफ जो ऑलरेडी एंड गेम में मर चुकी है, उसको फिर से इसमें दिखा के हमारे जान को फिर से जगा दिया, ऐसा बात हो रही है हमारे अंदर। और कौन होगा नेक्स्ट ब्लैक विडो? क्या ब्लैक विडो कैरेक्टर टोटली डिलीट हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है, ये जो सवाल है इसका आंसर मिल जाता है इसके अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। एलिना नेक्स्ट ब्लैक विडो बनने वाली है, और देखने वाले हैं कि क्या होता है इसके बाद। सो आज के लिए गाइस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको मेरा काम पसंद है मेरे इस काम को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ उसके साथ पास जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दो, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।